अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो यहाँ मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के खाने से। मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी और चिकन का कोरमा। हालांकि मेरा दोनों चीज़ें बनाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे कोरमा ही बनाना था। काफ़ी टाइम हो गया था कोरमा खाए हुए। मुझे चिकन का कोरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। मटन कोरमा मुझे इतना नहीं अच्छा लगता, बट चिकन का मैं बहुत शौक से खाती हूँ एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो जब मैं चिकन मंगवा रही थी तो मुझे ध्यान आया मेरे बेटे को चिकन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी नानी के हाथ की तो स्पेशली उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो हमेशा मुझसे कहता है मम्मा भी बनाओ, और मुझे पता नहीं क्यों बिरयानी बनाने में थोड़ा सा ज़ोर आता है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है एंड इसको अच्छे से वॉश करने के बाद, ये छोटी सी टिप है, मेरी मम्मी पानी के अंदर नींबू का सर डाल के चिकन को छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है ना, चिकन थोड़ा सा टाइट हो जाता है, और जब आप उसे गलाते हैं, भूनते हैं, तो वो ईजिली बोटियाँ टूटती नहीं हैं उसकी, क्योंकि चिकन भूनते भूनते ही गल जाता है और मसाला अगर कच्चा रह जाता है तो वो मज़ा नहीं आता। इसलिए खैर मेरा काम पूरा हो गया है और बिरयानी मैंने दम पर चढ़ा दी है। तो बस जो बर्तन भरे थे अब मैं वो धो रही हूँ। बिरयानी मेरी मैंने दम पे डाल दी है, उसको स्मोक भी दे दिया है एंड कोरमा भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। बस उसमें जो पीसी हुई प्याज है और केवड़ा पानी जो डालते हैं वो डालना बाकी है। उसके अलावा सब कुछ तैयार है। आटा भी मैंने गूंद दिया है, तो बस जब खाएंगे तब रोटी बन जाएगी। एंड एक अलग सी, आप भी मुझे बताइएगा, अलग सी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं होती जब हम अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बनाते हैं एंड वो घर में घुसते ही जब खुशबू सूंघ के ऐसे बोलते हैं कि वाओ क्या बन रहा है, या हमारी उन्हें खुशबू से पता चल जाता है कि ये उनकी पसंद की चीज़ बनी है, तो वो जो खुशी होती है ना उनके चेहरे पे जब आपका हस्बैंड सुबह से रात तक काम करके घर आता है एंड उसको जब लगता है कि हाँ उसकी पसंद की कोई चीज़ बनी है, तो वो जो खुशी होती है ना वो प्राइसलेस होती है। हम हाउसवाइफ्स का भी ये अजीब फंडा है, हम कितना भी थके हों लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ भी करने में हमें बिल्कुल भी माथे में शिकन नहीं आती है, बिल्कुल भी कुछ किसी तरह का आलस नहीं आता। खैर यही लाइफ होती है। आप यकीन मानेंगे 1.5 घंटे में मैंने कोरमा और बिरयानी दोनों चीज़ें रेडी कर दी हैं। आटा भी गूंद दिया है और अब मेरे बर्तन भी बिल्कुल धुल के मैं फ्री हो जाऊंगी। मतलब मैं इसको बहुत हाइप नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा प्री प्लान तरीके से काम करती हूँ। मैंने प्याज पहले ही छील के रख दिए थे एंड जो चावल है वो मैंने भिगा दिए थे। चिकन जो है नो डाउट उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर उसका जो मसाला है हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो कच्चा रह जाए तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं क्या हर काम में थोड़ा प्री प्लानिंग से चलती हूँ, जिससे कि एक तो मेरा टाइम भी बचता है, दूसरा मैं खाने को पकाने में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाती हूँ, तो उससे क्या होता है ना जो टेस्ट है ना वो एकदम निकल के आता है, और मुझे मेरी इस हैबिट से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो अब तो एक्चुअली मैं आ गई हूँ रूम में और मैं कर रही हूँ मेरी ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी टाइप के एलोवेरा जेल्स है ना, ये सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एलोवेरा जेल ऐसी चीज़ है जो मेरी स्किन केयर में मस्ट है, बिकॉज मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं तरह तरह के एलोवेरा जेल्स यूज़ करती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास वाव का है, उसके अलावा बायो ऑर्गेनिक का है, उसके अलावा मेरे पास नेचुरल्स का है एंड वो जो मैंने आपको वाइट डिब्बी में दिखाया था वो होम्योपैथिक एलोवेरा जेल है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है स्किन एंड बालों दोनों के लिए। और आगे जो ब्राउन एलोवेरा जेल है वो स्पेशली स्किन के लिए है, किसी भी तरह के एक्ने, पिंपल, इरिटेशन, एक्ने मार्क्स, स्पॉट्स जो जाते हैं, छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं, तो इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो देखिए अब ये क्या हाल हो रहा है, मैंने मेरी पूरी जो ड्रेसिंग टेबल की जो शेल्स हैं उसमें से सामान निकाल के बाहर रख रखा है। मैं बहुत टाइम से मेरा मेकअप एंड स्किन केयर सॉर्ट करना चाह रही थी, लेकिन मुझे एक्चुअली ना टाइम नहीं मिल रहा था। आप यकीन मानेंगे मुझे ये काम करने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे, क्योंकि एक तो बीच में मेरा छोटा बेटा भी आ गया था स्कूल से, इन दोनों के टाइमिंग्स अलग हैं, तो फिर उसको देखना, और दूसरी बात मैंने हर चीज़ निकाल के ढंग से साफ़ करके जो चीज़ें मुझे डीक्लटर करनी थी वो मैंने हटाई, जो मैं रूटीन में कहीं बाहर जाती हूँ यूज़ करनी थी वो मैंने एक मतलब बॉक्स में करके अलग रखी, और मेरे पास जितने भी आईलाइनर्स कलर काजल्स या आईलाइनर्स हैं वो मैंने हमेशा ना बॉक्स में रखती थी, तो मुझे मिलते नहीं थे। अब मैंने उसको कप में डाल के रखा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कौन कौन से बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। ये जो है मेरे पास सेफोरा का मल्टीपर्पज़ एक मेकअप किट है, जिसके अंदर लिप शेड्स हैं, देखिए कितने सारे लिप शेड्स हैं, आई शेडो पैलेट्स, वो आई शेडो के कलर्स हैं,
क्रीम आई शेडो के कलर्स हैं, ब्लशर्स हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं लिप कलर्स, बट ये मेल्ट हो चुका है पूरी तरह से। ये एक्चुअली मुझे मेरी शादी पे आज से 9 साल पहले मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड कम आंट हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। वो यूएसए से लेके आई थी। अब ये तो मल्टीपर्पज़ है कि मुझे इसको हटाने का मन नहीं करता, बट मैं खैर कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। अब ये जो वुडन बॉक्स है ये बेसिकली मेरी देवरानी ने मेरी ननद को गिफ्ट किया था, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसी तरह का एक और बॉक्स है, ये दो बॉक्सेस उसने मुझे गिफ्ट किए थे। तो यहाँ पे ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर पेंसिल, जो मैं एज अ लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ। पहले लिप्स को लाइन करने के बाद इसी से लिप्स को फिल कर लेती हूँ एंड ऊपर लिप बाम लगा लेती हूँ, तो एक थोड़ी शाइनी फिनिश आ जाती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरी लिप पेंसिल मेरे पास है कलर बार की, ये भी बहुत पुरानी है, 8 साल पुरानी तो आराम से होगी, बट ये बहुत ही अच्छी है एंड इसका जो स्टेइंग पावर है वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करती। तो अब जो मैंने आपको दिखाई हैं ये हैं सारी काजल पेंसिल्स, जो कलर्ड काजल्स हैं। मुझे कलर्ड आईलाइनर्स लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तरह तरह के कलर वाले काजल्स खरीदती रहती हूँ। आईलाइनर नहीं लेती हूँ, मुझसे काजल से लाइनर बहुत अच्छा लगता है। तो अब हो गया है मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ, सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद, पूरे रूम की डस्टिंग करने के बाद, बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। और कारपेट के लिए मैं लेकर आई थी एक ब्रश, काफ़ी टाइम से मैं लाना चाह रही थी बट मैं हमेशा भूल जाती थी। तो फाइनली अभी 2-3 दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो मैं ये ब्रश लेकर आई और इससे जो साफ़ हुआ है कारपेट, भाई साहब, मैं वैक्यूम क्लीनर कारपेट के लिए यूज़ नहीं करती बिकॉज़ ये डेली रूटीन में काम आता है, तो इतना वैक्यूम करने से कोई मतलब नहीं है, बट मैं नमाज़ पढ़ती हूँ इस पर इसलिए मुझे इसको क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा रहा और मेरा कारपेट एकदम साफ़ हो गया। तो बस अब है शाम का टाइम और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं यहाँ पे इनके टी शर्ट्स एंड शर्ट्स वगैरह आयरन कर रही थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा आयरनिंग की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ज़ोर कपड़े प्रेस करने में ही आता है। मैं मेरे कपड़े तो बाहर ही देती हूँ प्रेस करने के लिए, बट बच्चों के कुछ कपड़े तो मैं करके ही पहनाती हूँ। जैसे ये बाहर पहनने के टी शर्ट्स हैं तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बिना प्रेस किए, अगर आप इन्हें पहना दो तो इनके ऊपर क्रीज दिखती है एंड वो अच्छे नहीं लगते। तो जी ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें एंड उस पर भी अपना प्यार दिखाएँ। टेक केयर गाइज, बाय।